हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लेक्चर में हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का इंट्रोडक्शन और फॉर्मेट को डिस्कस किया था, और सेकेंड लेक्चर में हमने हमारे डबल टैक्सेशन से रिलेटेड, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड तीन क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। तो अगर आपने हमारे वो दो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको अपने इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, ताकि आपको इंट्रोडक्शन और सिंपल लेवल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं डबल टैक्सेशन को, आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो अगर आप, उसके पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अकाउंट और टैक्स से रिलेटेड लेक्चर जो है उसके अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारा लेक्चर और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो है बेल बटन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं बच्चों आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवाया है, सॉल्व करवाया है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों आज के लेक्चर की तरफ। रोशन अ रेसिडेंट इंडियन हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए असेसमेंट ईयर 1920। नेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे देखते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। और डोंट वरी बच्चों, मैं आपको ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी और नोट्स का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ये क्वेश्चन और जो नोट्स है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का। नेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, मतलब ये जो इनकम है वो इंडियन इनकम है, इनकम फ्रॉम फॉरेन इनकम कंट्री एक्स से, मतलब फॉरेन इनकम है हमारा, फॉरेन इनकम जो है बच्चों 60 लाख है। टैक्स पेड इन कंट्री एक्स ऑन हिज इनकम, मतलब कंट्री एक्स में 60,000 का हमने टैक्स भरा है। सैलरी रिसीव फ्रॉम कंट्री वाई ऑफ रुपीज 4 लाख कंट्री वाई, मतलब वंस अगेन ये फॉरेन इनकम। टैक्स पेड इन कंट्री वाई ऑफ रुपीज 1,60,000, 1,60,000 रुपये का हमने क्या भरा है बच्चों, टैक्स भरा है कहाँ पे, कंट्री वाई में जो है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इन बैंक फ्रॉम इंडिया, मतलब वंस अगेन इंडियन इनकम है 2 लाख। कंप्यूट द इनकम टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर 1920। इंडिया डज नॉट हैव एनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद द कंट्री एक्स एंड वाई। तो मतलब यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा वो आपका सेक्शन 91 के थ्रू मिलेगा। तो चलते हो बच्चे आज के क्वेश्चन की तरफ, इसको कैसे सॉल्व करना है तो देखते हैं। क्वेश्चन 4, कंपटीशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर्स देखते हैं। पहला हमें इंडियन इनकम लिखना होगा। इंडियन इनकम में हम देखते हैं कौन कौन सी इनकम है हमारे पास। तो देख सकते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन रीड किया, हमें पता चला दो इंडियन इनकम है मेरे बच्चों। देखते हैं, एक आपका नेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, नेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो कि है 10 लाख रुपीज की,
और बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट है, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट जो कि है आपको 2 लाख रुपीज़ का। तो इस तरह से इंडियन इनकम जो है मेरे बच्चों 12 लाख रुपये की मिल जाती है। अब हम जब बढ़ते हैं फॉरेन इनकम की तरफ, फॉरेन इनकम तो हमारे पास दो कंट्री से इनकम आ रही है, तो एक हमारा कंट्री एक्स इनकम फ्रॉम कंट्री एक्स, कंट्री एक्स से जो है 6 लाख रुपए की इनकम है, और एक मेरे बच्चों इनकम फ्रॉम कंट्री वाई, कंट्री वाई से जो है मेरे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाख रुपए की इनकम है। तो इस तरह से टोटल जो है 10 लाख रुपए की इनकम हो गई फॉरेन। अब अगर आप टोटल करें तो आपको जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, टोटल जो है आपका 22 लाख। यहाँ से मेरे बच्चों हम माइनस करते हैं लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है एक भी डिडक्शन, तो आप जो है डायरेक्टली जो मिलेगा उसे आप बोलेंगे नेट टैक्सेबल इनकम 22 लाख। मैंने आपको बच्चों बार बार बताया है कि जब भी आपके क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन नहीं की हो कि जो इनकम है वो स्पेशल है या कौन सी, तो आप नॉर्मल इनकम एज्यूम करेंगे। जब भी आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें मेरे बच्चों, तो आप एक चीज़ों का ध्यान रखें, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के पहले दो क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है कि क्या हमारे पास कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है क्या, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन से पूछना है कि क्या हमारे पास कोई एग्रीकल्चरल इनकम है क्या। स्पेशल इनकम होगी तो स्पेशल रेट लगाएंगे, एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो पार्शियल इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आपको टैक्स जो है स्लैब रेट से लेना होगा। और यहाँ पे हमें जो एसएससी है उसका एज भी नहीं बताया, तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो 60 साल से कम है, तो नॉर्मल स्लैब रेट। तो फर्स्ट 2,50,000 तक आपको जीरो है, दूसरा स्लैब होता है 2,50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक, जो कि डिफरेंस आपको अगर 2,50,000 और 5 लाख के बीच मिले तो 2,50,000 का होता है, इंटू 5%, जो कि आपका 12,500, मतलब 5 लाख माइनस 2,50,000 करेंगे तो 2,50,000 इंटू 5%, तो आपको आ जाएगा 12,500। 5 लाख से 10 लाख डिफरेंस जो है 5 लाख रुपए का है, इसका आपको 20% लेना होगा, 20% लेंगे तो आपको 1 लाख रुपया आता रहेगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है जो है अबव 10 लाख, 10 लाख से ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं आपका नेट टैक्सेबल इनकम 22 लाख रुपए है, यहाँ देखिए 22 लाख माइनस 10 लाख, क्योंकि 10 लाख से ऊपर चाहिए हमें, तो उसका हमें 30% लेना होता है। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो 22 लाख माइनस 10 तो 12 लाख आता है आपको, 12 लाख का 30% अगर आप लेते हो बच्चों, तो इस तरह से आपको 3,60,000 रुपया जो है टैक्स मिलता है। अब अगर आप टोटल कर लें तो 1,12,500, तो 4,72,500, इसे हम टोटल टैक्स बोलते हैं। अब टोटल टैक्स में आपको दो, टोटल टैक्स आने के बाद दो क्वेश्चन आपको पूछना होता है मेरे बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है क्या हमें सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज अगर आपको 50 लाख से ज़्यादा की इनकम होती तब लगता है, जो कि नहीं है, 22 लाख है नहीं लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना था क्या हमें रिबेट मिलेगा, रिबेट अगर यहाँ पे 3,50,000 से कम इनकम होती तो मिलता है, तो रिबेट भी नहीं मिलेगा। तो अब डायरेक्टली इस पर हमें ऐड करना होता है HEC एट द रेट 4%, तो 4,72,500 का 4% HEC जो है 4% अगर आप ऐड करेंगे तो 18,900। तो इस तरह से टोटल
टैक्स लायबिलिटीज आपको मिल जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटीज जो है 4,72,500 प्लस 18,900, तो 4,91,400 का टोटल टैक्स लायबिलिटीज मिल जाएगा। अब यहां से आपको बच्चों माइनस करना होता है लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 91 के सेक्शन में अगर कोई रिलीफ है तो माइनस कर लेना है। तो देखते हैं रिलीफ है क्या। तो अब हमारे पास यहां दो अलग अलग कंट्री है बच्चों, तो पहले हम कंट्री एल का रिलीफ लेंगे, सॉरी एक्स का, और फिर कंट्री वाई का। तो पहले हम कंट्री एक्स के लिए लेते हैं, और उसके पहले हमें बच्चों एक चीज कैलकुलेट करनी होगी जो कि है क्या, उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट। तो देख लेते हैं एवरेज रेट कैसे आएगा। एवरेज रेट इज इक्वल टू, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया है, क्या होता है नेट टैक्सेबल इनकम जो कि आपका 4,91,400 है, डिवाइड बाय नेट टैक्स लायबिलिटी, जो टोटल टैक्स लायबिलिटी यहां पे बच्चों आया है 4,91,400, टोटल टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम 22 लाख इनटू 100, तो जो मिलेगा उसे आप क्या बोलेंगे एवरेज रेट। 22 लाख इनटू 100 आपको 22.33% जो है आपको मिल जाएगा। तो इस पे आपका ये आपका एवरेज रेट है। तो पहले आपको कंट्री एक्स के लिए निकालना है। तो कंट्री एक्स के लिए कैसे करना है देख सकते हैं। कंट्री एक्स का पहले हमें निकालेंगे टैक्स ऑन कंट्री एक्स इनकम एट एवरेज रेट। तो कंट्री एक्स से जो इनकम थी वो 6 लाख रुपए की थी, 6 लाख इंटू 22.33%, मतलब आपको 6 लाख इंटू 22.33% जो कि 1,33,980 मिलेगा। और टैक्स ऑन कंट्री एक्स इनकम एट फॉरेन रेट, तो हम देख सकते हैं कंट्री एक्स में हमने ऑलरेडी 60,000 रुपये का टैक्स भरा है। तो अब देख लें ये दोनों में लोअर क्या है, ये दोनों में लोअर जो है 60,000 रुपये है। तो 60,000 रुपये का आपको रिलीफ मिलेगा कंट्री एक्स के टर्म में। अब सेम वे से कंट्री वाई के लिए निकालना है, टैक्स ऑन फॉरेन कंट्री वाई इनकम एट एवरेज रेट। तो कंट्री वाई का जो हमने 4 लाख रुपया अर्न किया, 4 लाख पे 22.33%, तो 4 लाख इंटू 22.33% जो कि होगा 89,320। अब और टैक्स ऑन कंट्री वाई इनकम एट फॉरेन रेट, तो देख सकते हैं फॉरेन में हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, कंट्री वाई में हमने टैक्स 1,60,000 रुपये का भरा है। तो अब हमें ये दोनों में लोअर क्या है, ये दोनों में लोअर जो है देखो बच्चों, हमने एक साथ क्यों नहीं किया, देख रहे हैं बच्चों यहां पे आपका लोअर ये आ रहा है कौन सा फॉरेन इनकम, यहाँ पे लोअर एवरेज रेट वाला आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए जब भी दो कंट्रियों का मिले तो आपको ये कंपैरिजन अलग अलग करना होगा सेपरेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 89,320, तो आप अगर माइनस कर लें 4,91,400 माइनस 60,000 माइनस 89,320, तो इस तरह से हमें जो है बैलेंस मिलेगा 3,42,080। इसे हम बोलेंगे टैक्स पेबल। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमें आज के दूसरा डबल ईयर के ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जैसे कि हमने देखा इस क्वेश्चन में क्या था, कंट्री एक्स के केस में लोअर क्या आया था फॉरेन रेट, और कंट्री वाई के केस में क्या आया था लोअर आपका
एवरेज रेट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब डबल कंट्री इन्वॉल्व हो तो आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना होता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हमारा आज के लेक्चर के, तो मतलब हमारा वैसे क्वेश्चन नंबर ये पाए होगा, आर अ रेसिडेंट इंडियन हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंड रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर। यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं 2019 and 20। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो बच्चों हम ऐसा मान लेंगे कि ये इंडियन इनकम होगा। कौन सा इनकम बच्चों? इंडियन इनकम। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम अ पार्टनरशिप फॉर्म इन कंट्री एक्स, कंट्री एक्स से हमें जो आया है ये फॉरेन इनकम है। टैक्स पेड इन कंट्री एक्स फॉर हिज इनकम इक्वेलेंट टू रुपीज इंडियन रुपीज 25,000, मतलब ये आपका फॉरेन इनकम 2,00,000 रुपये का है। कंट्री वाई में देखो बच्चों, हमने कंट्री वाई में कितना पे किया है? 40,000 रुपया, और 40,000 रुपया सॉरी इनकम है कंट्री वाई से, और उसमें 20% हमने फॉरेन में टैक्स पे किया है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल बैंक ऑफ इंडिया सेविंग, ये आपका इंडियन बैंक है, कुछ भी नहीं बताया, तो इंडियन बैंक इंडियन इनकम। अब यहाँ पे आर विशेष टू नो वेदर द ही इज एलिजिबल टू डबल टैक्सेशन रिलीफ इफ सो इट क्वांटम, मतलब कितना। इंडिया डज नॉट हैव एग्री, मतलब यहाँ पे जो रिलीफ मिलेगा सेक्शन 91 के थ्रू रिलीफ मिलेगा। तो देखते हैं बच्चों कैसे सेम जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया आज के लेक्चर का, वो इसी तरह से हमें करना है। यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं करना है मेरे बच्चों, उसी तरह से करना है। देखते हैं कैसे करना है। तो देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन जो है 5 हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग, कंपटीशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी पहले हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडियन इनकम कितना है मेरे बच्चों? इंडियन इनकम हम देखते हैं तो हमारे पास दो इंडियन इनकम है। एक तो हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है जो कि है 3,00,000 रुपये का, और एक है बैंक इंटरेस्ट जो कि है हमारा 20,000 रुपीस का। तो इस तरह से अगर हम टोटल लें तो 3,20,000 रुपये का हमें टोटल मिलता है मेरे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या है, फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम जो है हमें दो कंट्री से मिल रहा है, एक तो हमें कंट्री एक्स इनकम, कंट्री एक्स से हमें 2,00,000 रुपए का इनकम है, और एक जो है हमें कंट्री वाई से इनकम मिल रहा है। कंट्री वाई से हमें जो इनकम है वो जो है बच्चों 40,000 रुपए का है। तो टोटल लेंगे तो 2,40,000 रुपया मिल जाता है। अब अगर हम टोटल लें तो हमें जो मिलेगा उससे हम बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। टोटल जो है 5,60,000 रुपया मिल जाएगा। अब इसमें से जो है मेरे बच्चों माइनस करना होता है लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब मेरे बच्चों यहाँ पे डिडक्शन जो है, और यहाँ क्लियर बोला अदर देन सेविंग बैंक, मतलब सेविंग अकाउंट में होता तो ATTTA में जो है आपको डिडक्शन मिलता, लेकिन ये सेविंग अकाउंट नहीं है तो डिडक्शन कुछ भी नहीं है। तो टोटल आपको जो है मिल जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम 5,60,000। अब आपको बच्चों है टैक्स लायबिलिटी निकालना। मैंने आपको पहले ही बोला जब भी हम टैक्स लायबिलिटी निकाले तो हमें दो क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन, क्या हमारे पास कोई स्पेशल इनकम है? नहीं। स्पेशल इनकम का मतलब होता है क्या कोई हमारे पास कैजुअल इनकम है या कैपिटल गेन इनकम है? नहीं है। दूसरा, क्या हमारे पास कोई एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
नॉर्मल टैक्स रेट जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अच्छा, इस पर्सन का हमें एज नहीं बताया, तो एज नहीं बताया तो हम नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट 250,000 तक क्या होता है, जीरो। दूसरा जो होता है मेरे बच्चों, 250,000 से लेके 5,00,000 रुपये तक, जो कि डिफरेंस 250,000 रुपये का 5% लेंगे तो 12,500 होता है तीसरा जो स्लैब होता है। अब मेरे बच्चों देखो, तीसरा स्लैब जो होता है 5,00,000 रुपये से लेके 10,00,000 रुपये, लेकिन इनकम देखो बच्चों 5,60,000 रुपये है, तो यहाँ पे आप 5,60,000 ही लेंगे। डिफरेंस जो है खाली 60,000 रुपये का आ रहा है, 60,000 का 20%, जो कि आपको 12,000 रुपये का होगा डिफरेंस। टोटल अगर लेंगे तो 24,500 आता है, तो इसे हम बोलेंगे टोटल टैक्स। अब यहाँ पे बच्चों आपको दो क्वेश्चन फिर से पूछना है, क्या सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज लगने के लिए टोटल इनकम 50,00,000 के ऊपर होनी चाहिए, नेट टैक्सेबल इनकम। क्या रिबेट मिलेगा, रिबेट मिलने के लिए नेट टैक्सेबल इनकम 3,50,000 से कम होनी चाहिए, नहीं है, दोनों ही केसेस नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लेस कर लेंगे हम, क्या लेस कर लेंगे, सॉरी लेस नहीं बच्चों, ऐड करना होगा, सॉरी HEC, क्योंकि सरचार्ज और रिबेट नहीं है। कितना परसेंट, 4%, 24,500 का 4% आप ऐड कर देंगे, तो जो कि है 24,500 इंटू 5%, जो कि सॉरी 4%, 24,500 इंटू 4%, 980 ऐड कर दें, तो आपको जो मिलेगा वो बोलेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटीज। जैसे ही आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी मिल जाए बच्चों, आपको तुरंत क्या कैलकुलेट करना होगा, जिसको हम बोलेंगे एवरेज रेट। यहाँ से ये ऐड करेंगे तो 25,480 होता है, इसमें हम ऐड सॉरी यहाँ से हम माइनस करते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अब हमें पहले एवरेज रेट निकालना होगा, जिसका सिंपल सा हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज रेट इज इक्वल टू टोटल टैक्स लायबिलिटी, दैट इज ये आपका क्या है 25,480 डिवाइड बाय टोटल टैक्स या नेट टैक्सेबल इनकम जो है, सॉरी है नेट टैक्सेबल इनकम जो है 5,60,000 रुपये की है, इनटू 100। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम इनटू 100 डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम 5,60,000 इनटू 100, जो कि आता है 4.55%। इस तरह से आपको एवरेज रेट मिल जाएगा। तो बच्चों हमने जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको दो अलग अलग कंट्री दी होगी, तो अलग अलग कैलकुलेशन करने का, पहला आप कंट्री एक्स के लिए करेंगे टैक्स एट टैक्स ऑन कंट्री एक्स इनकम एट एवरेज रेट। तो कंट्री एक्स की जो इनकम है वो जो मेरे बच्चों कितनी है, 2,00,000 रुपया, 2,00,000 इंटू 4.55%, तो 2,00,000 इंटू 4.55% 9,100। अब यहाँ पे और टैक्स ऑन कंट्री एक्स इनकम एट फॉरेन रेट। अब मेरे बच्चों आप ध्यान रहे, कंट्री एक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्री एक्स में जो टैक्स पे किया है 25,000 है, तो ये दोनों में लोअर क्या होता है, ये दोनों में आपका लोअर जो है 9,100 है। अब दूसरा टैक्स ऑन कंट्री एक्स सॉरी वाई इनकम एट एवरेज रेट, तो कंट्री वाई में इनकम कितनी थी, 40,000 रुपये की थी, 40,000 इंटू एवरेज रेट, एवरेज रेट 4.55% है, तो एवरेज रेट जो है मेरे बच्चों 4.55, 40,000 का 4.55% जो 1,820 है। और टैक्स ऑन कंट्री वाई इनकम
एट फॉरेन रेट, मतलब फॉरेन में क्या रेट से टैक्स लगा था। क्लियर, यहाँ बोल रहा है फॉरेन में 20% टैक्स लगाएंगे। देख सकते हैं बच्चों फॉरेन में कितना परसेंट टैक्स लगाने के लिए बोल रहा है, 20%। यहाँ पे देख सकते हैं 20% आपको बोला है, तो आपका 40,000 इंटू 20%, 40,000 इंटू 20%, तो 40,000 का 20% अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको 40,000 इंटू 20% जो है 8,000 रुपये का मिल जाता है। तो टोटल इस दोनों में लोअर, लोअर क्या है 1820, तो 1820 कंट्री वाई के लिए ये आप माइनस कर लेंगे, 25480 माइनस 9100 माइनस 1820, तो आपको 14,560 जो है मिल जाएगा। इसे हम बोलेंगे मेरे बच्चों टैक्स पेबल। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आ सकता है, अगर आप SYBAF के एग्जाम में हैं तो SYBAF के एग्जाम के लिए अपीयर करते। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसमें आपको एक पेज का क्वेश्चन है, आपको एक पेज के क्वेश्चन, वो भी सारे क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं, सेम ऑर्डर में आते हैं, सेम फॉर्मेट के थ्रू। अगर बच्चों फिर भी आपको कोई डबल टैक्सेशन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर हमारे वीडियो में कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और बच्चों आप ये जो नोट्स है, ये जो क्वेश्चन है, उसका टेंशन मत लें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ये क्वेश्चन और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें बच्चों, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों, ख्याल रखें अपना और सेफ रहें।